अगर आप लोग सीख लेंगे स्किल्स को तो पैसे बनाना इस इंडस्ट्री के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया लोगों के साथ, और आज वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हजारों डॉलर्स अर्न करते हैं, और उनके पास टाइम नहीं होता। और एक वो भी वक्त था आज से 1 साल 1.5 साल पहले कि वो कॉल करके मैसेज करके कहते थे कि सर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो जो बेसिकली आप लोगों का फोकस है वो सीखने पे होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने पे। स्टार्ट में जब आप लोग सीख लेंगे पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जब इस कोर्सेज को प्रोसीड करना है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आप लोगों की बेसिक क्वालिफिकेशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन होगी तो चीज़ों को सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेट आप स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लोगों को सीख फिर भी आप जाएंगे, लेकिन फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा चीज़ों को सीखने में। तीसरी बात, आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़े से बेहतर होने चाहिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर करें, फोकस करें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल जो लोग होते हैं वो कम पैसे कमाते हैं एज कंपेयर टू दोस्त जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी टीम है जो काम कर रही होती है, उसमें एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों की टीम बनी हुई है, तो उसमें वो बंदा सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है जो मार्केटिंग कर रहा होता है। जो क्लाइंट लेके आता है वो कहता है जी आई चार्ज 2,000 डॉलर, बाकी जो 10,000 डॉलर आना है मेरा 2,000 डॉलर है, उसके बाद जो 9 लोग बैठे हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने स्किल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस हमें देना चाहिए एज कम्पेयर टू कि हम टेक्निकली जो है वो साउंड हो जाए। उसके बाद